दिस राजेश गौतम एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मोटो सॉन्ग। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक बड़ा खास टॉपिक है और जनरली इस टॉपिक को लेके बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। अच्छा, मुझे एक प्रॉब्लम्स और बहुत सारे लोगों ने भेजी है। Yamaha 135 में क्या हो रहा है कि जो क्लच बेल है और आपका क्लच कवर है, जो क्लच कवर लगा होता है, जब आप क्लच को दबाते हैं तो आपका जो क्लच बेल है, क्लच बेल में जो आपका हब लगा होता है ना, जिसमें स्क्रू कसे होते हैं चार, वो जाके आपके क्लच कवर से टकरा रहा है, निशान बन रहा है। तो ये काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया हमने क्लच कवर भी बदल दिया, हमने सेंटर केसिंग बदल दी। पहले मुझे लगा कि क्लच कवर की जो फेसिंग है शायद उसको फेसिंग मारा होगा तो वो कम हो गई होगी। तो कुछ लोगों को क्या करना पड़ रहा है, या तो मोटी पैकिंग डालनी पड़ रही क्लच कवर की, या डबल पैकिंग डालनी पड़ रही जिससे वो बंद हो जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि वो जो टकराता है ना, वो एक्चुअली वो आपका हब नहीं टकराता, वो जो चार नट है वो टकराते हैं और वो उतनी जगह को जैसा दबाते हैं, प्रेस करते हैं क्लच तो घसते हैं। अच्छा, वो क्यों टकराते हैं, मुझे कहीं ना कहीं जो अब हब सेंटर आ रहे हैं उसका प्रॉब्लम लग रहा है, या तो कहीं ना कहीं वॉशर का प्रॉब्लम होगा, या कुछ ना कुछ तो फिटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। उस पर हम थोरली एक वीडियो बनाएंगे। जब तक मेरे पास वो गाड़ी आने वाली है जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो देखने के बाद फिर हम उस पर उसको डायग्नोस करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अच्छा, तो हम टॉपिक से अब भटकते नहीं है, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास कुछ पिस्टन पड़े हुए हैं। तो मेरे पास ओरिजिनल पिस्टन भी है, गोएट्स का भी है, सेम का भी है, और ये कुछ नया सा पिस्टन है जो आपको मैं बताऊंगा कि ये पिस्टन क्या है और मैं क्यों दिखा रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं। ये सारे के सारे पिस्टन जो हैं वो RX 100 के हैं, क्योंकि मेरे पास RX 135 नहीं है, मेरे पास जनरली RX 100 ही गाड़ी है। तो मैं RX 100 के ही परचेस करता हूँ अपने लिए, जो मेरे को, या दो दो सेट में ले लेता हूँ, कभी कभी तीन तीन सेट ले लेता हूँ, कभी ज्यादा भी ले लेता हूँ कि कुछ मेरे दोस्त हैं वो मुझसे मांग लेते हैं तो वो मैं ले लेता हूँ। जैसा कि गुजरात वाले धवल भाई है, कभी कभी मैं उनके लिए भी अपना एक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। तो इस बार मैंने दो अपने लिए ले रखे हैं और एक उनके लिए लिया है, तो उनको मुझे कोरियर करना है। तो उन्हें मैंने बताया कि मुझे पिस्टन मिल गया है 75 नंबर का, मैं आपको भिजवा रहा हूँ। ठीक है, अब बताते हैं ये जो पिस्टन है ना, अब आज के समय में प्रॉब्लम क्या है कि पिस्टन कौन सा डालना। ये अभी गोएट्स का नया पिस्टन है जो अभी आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, ये तो तब का है जब ये टिन पैकिंग में आता था। अब जो आ रहा है वो ऐसा अड्डा पैकिंग में आ रहा है, और उसका क्वालिटी अगर इससे कंपेयर करेंगे ना, तो ये तो भी बहुत अच्छा है, इससे भी वर्स्ट क्वालिटी आ रहा है। वो भी ऐसा नीले कलर की खड्डा पैकिंग में आ रहा है, क्वालिटी देखेंगे तो बिल्कुल सही नहीं है, गाड़ी सीज हो जाती है, मजा ही नहीं है पिस्टन में, कहेंगे तो चलेगा। अब गोट्स ना डाले तो सैम पे जाते हैं। ये सैम का पिस्टन है, आपको दिखाते हैं। ये क्वालिटी देखिए, कुछ भी नहीं, खत्म। थिकनेस पिस्टन की देखेंगे तो बिल्कुल पतला सा, मजा ही नहीं। डाल सकते हैं, 1200 रुपए का पिस्टन है, गोएट्स का 1350 रुपए का पिस्टन है, डाल सकते हैं, बट जो मजा आपको चाहिए वो यामा में देगा नहीं। अब हमें कौन सा पिस्टन डालना, या तो आपको पुराना टिन पैकिंग का, या स्कॉट महले का, या गोइट्स का पिस्टन मिले, या फिर आपको ओरिजिनल मिले। अब ये मेरे पास जो है ये ओरिजिनल पिस्टन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ओरिजिनल पिस्टन है, ये आपने देखा, ये ओरिजिनल पिस्टन है। अब ओरिजिनल पिस्टन और ये पिस्टन में फर्क क्या है कि इसके जो ये पोर्ट्स हैं ये थोड़े बड़े हैं, गोइट्स के छोटे हैं, सेम का देखें तो और छोटे हैं, यानी मजा ही नहीं है ना। तो ये हुई ओरिजिनल पिस्टन की बात, मैं रख दूं, अदरवाइज क्या होगा कि ये सब एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे और मुझे ही पता नहीं चलेगा कौन सा किसका कहाँ पे है और कौन सा किसका है। ठीक है, ये रहा है ओरिजिनल, सैम और गोएट्स। अब हम बात करते हैं IPL के पिस्टन की। ये है IPL का पिस्टन, IPL इसका फुल फॉर्म है, इंडिया पिस्टन लिमिटेड। ये इंडिया पिस्टन लिमिटेड जो है ये चेन्नई की कंपनी है आई थिंक,
और मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी आज भी रॉयल एनफील्ड के सारे पिस्टन बनाती है, ओरिजिनल जो गाड़ी में लग के आते हैं। ये कंपनी ट्रकों के भी पिस्टन बनाती है, ये कंपनी ट्रैक्टर के भी पिस्टन बनाती है, इनफैक्ट ट्रैक्टर के जो सिलेंडर किट में स्लीव लगती है ना, वो भी आईपीएल की आती है। बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। अब इसने भी टू व्हीलर के लिए पिस्टन बनाया था। ये 2014 का स्टॉक है मेरे पास, से कुछ 2012 का स्टॉक है, कुछ 2019 का है, अलग अलग टाइम के अलग अलग स्टॉक है। ये फिलहाल 2014 का स्टॉक है। तो इसके पिस्टन को जब मैंने देखा, देखिए आज के समय में ओरिजिनल पिस्टन इतना महंगा हो गया है, लोग 2,500 में बेच रहे हैं, 3,000 में बेच रहे हैं, 3,500 में बेच रहे हैं, 4,000 में बेच रहे हैं। 2,000 के नीचे तो मैंने किसी के पास रेट नहीं देखा, सब 2,000, 2,200, 2,400 ऐसे रेट हैं, उसके नीचे तो कोई दे नहीं रहा है। तो ये है आईपीएल का पिस्टन। क्वालिटी देखें, पिस्टन की थिकनेस देखें, वर्ड्स के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी है। पिस्टन भी बिल्कुल ऐसा हैवी जैसा, ओरिजिनल जैसा पिस्टन है। और पोर्ट की बात करें तो देखो पोर्ट भी इससे बड़े हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोनों पिस्टन के आप पोर्ट देख रहे होंगे। ये वर्ड्स का पिस्टन है, इसके पोर्ट देखो छोटे हैं, और यही ये आईपीएल का पिस्टन है, इसके पोर्ट देखिए। पिस्टन का क्वालिटी देखिए, अंदर से जबरदस्त क्वालिटी का पिस्टन है। ये देखिए ये गोइट्स है, गोइट्स भी ये 17-18 का पिस्टन है, अभी का नहीं है, अभी का तो इससे भी बकवास पिस्टन आ रहा है। ये देखिए कितने अच्छे पोर्ट्स हैं इसके, तो ये बहुत अच्छा पिस्टन है। पोर्ट बड़े हैं मतलब बिल्कुल जो इंटेक है वो बहुत अच्छा होगा, तो पावर भी बहुत अच्छी होगी, पिस्टन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इनफैक्ट जब आईपीएल ने बनाया है तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा पिस्टन बनाया होगा, बेकार क्वालिटी का तो नहीं बनाया होगा। बट इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम जगह है, अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो ये पक्का ले लीजिए, और ये समझ लीजिए कि ये आपके ओरिजिनल पिस्टन के आधे या उससे ज्यादा रेट में आ जाएगा। बहुत ज्यादा कॉस्टिंग इसका है नहीं, अराउंड इसका एमआरपी 750 या 800 कुछ है, और 2014 का है तो आई थिंक 750 कुछ का है। तो अगर कोई डीलर अभी के रेट में बढ़ा के भी देता है तो 1200, 1300, 1400 रुपये में आपको दे देगा, अगर उसने बढ़ाया भी। तो रिंग की क्वालिटी देखें तो बहुत अच्छी है, रिंग जो है इस तरह से पैकिंग में आती है बकायदा, और पिस्टन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको मार्केट में उषा के पिस्टन मिलते हैं, मारुति के पिस्टन मिलते हैं, आईपीएल के पिस्टन मिलते हैं, और एक सुपर कंपनी भी बनाती थी, अगर सुपर के भी पिस्टन मिलते हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि अभी का गोएट्स या सैम लेना वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल अच्छा पिस्टन नहीं है, मजा ही नहीं आता गाड़ी चलाने में, गाड़ी सीज होने के। और जो लोग स्लीव डला रहे हैं गाड़ी में ना, उनकी तो चिपक ही जाती है गाड़ी। ओरिजिनल में तो भी कैसा तो भी चल जा रहा है ओरिजिनल सिलेंडर में, लेकिन स्लीव में बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए दी कि अगर आपके शहर में आईपीएल का पिस्टन मिल रहा है तो आप उसको नकारे नहीं कि अरे ये लोकल तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं बता दूं कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का पिस्टन है, ये समझ लो ओरिजिनल जैसा पिस्टन है, आप अपनी गाड़ी में डलवा सकते हैं, क्योंकि रेट इतना बढ़ चुका है, अब उतने रेट में भी खरीद पाना। अभी मैंने कहीं फेसबुक पे एक पेज पे देखा था, ग्रुप में देखा था कि 4,500 रुपये में RX 100 का 75 नंबर पिस्टन बेच रहे, 4,500 रुपये। किसी बंदे ने फेसबुक में 3,500 रुपये रेट डाल रखा था, किसी ने 4,200 डाल रखा था, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों के। तो उतना महंगा पिस्टन डालना, फिर उसको स्लीव्ड कराना, स्लीव्ड का भी खर्चा 1500 से 2,000 के बीच में आता है, ऑलमोस्ट 2,000 लोग लेने लगे हैं, तो समझ लो कितना महंगा हो जाएगा। और इतना महंगा करवाना, ये भाई हम जैसे लोगों के लिए तो तकलीफ वाली बात है। यामा चला रहे हैं, उसका शौक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हम बर्बाद हो जाएं ये भी गलत है। तो आप क्या करें, अपने मार्केट में ढूंढें, अगर आपके पास कोई डीलर है जिसके पास आईपीएल का पिस्टन है या उषा का है। देखो उषा का भी पिस्टन मैंने एक देखा था, एक सेलर 1800 से 2,000 में बेच रहा था, 650-700 का पिस्टन था, बहुत हो गया तो 1300, 1400, 1500 भी ले तो समझ में आता है ना। तो डायरेक्ट आप डीलर से लें, जो गोइट्स का रेट है 1300, 1350 रुपये, उस रेट में कोई भी दे देगा आपको, और गोइट्स से अच्छी क्वालिटी का पिस्टन मिल जाएगा। उषा लें, मारुति लें और आईपीएल लें, अगर आपको
यूज करना है अपनी RX 100 में। इवन RX 135 में भी ये सारा आता है, जो RX 135 वाले हैं वो भी यूज कर सकते हैं। इवन जो RX 100 का जो पिस्टन, उनका 2017 का 18 का मैन्युफैक्चरिंग आया, उसमें तो एक मजेदार ये बात है कि पिस्टन रिंग के साथ एक सपोर्टिंग रिंग भी आई है उनकी RX 100 में। जैसे 135 में सपोर्टिंग रिंग होती है ना, वैसी छोटी पतली वाली सपोर्टिंग रिंग RX 100 की भी पिस्टन में आई है। सोचो वो गाड़ी का पिस्टन में क्या कॉम्प्रेशन बनता होगा, क्या मजा आता होगा चलाने में। तो अगर वो पिस्टन मिलता है तो वो पक्का लें उस तरह का नया जो आया था वो वाला। चलिए दोस्तों, पिस्टन की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मुझे जैसा है टाइम मिलेगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे जरूर रिप्लाई करता हूँ, पक्का रिप्लाई करता हूँ। अच्छा, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे हाय लिख देते हैं, हेलो ब्रदर, तो उनका रिप्लाई मैं नहीं करता हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका टू द पॉइंट काम करना चाहता हूँ कि आपका प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन। अच्छा, कुछ लोगों को मैं सॉल्यूशन देता हूँ, लेकिन वो बहुत सारी बातें चालू कर देते हैं कि ये कैसा होगा। देखिए आपका जो प्रॉब्लम है, देखिए मेरे पास भी बहुत कम टाइम होता है दोस्तों, और मेरे पास कम से कम एक एक दिन में 100-150 मैसेजेस आ जाते। अब सोचो आपके पास 100 से 150 मैसेज आ जाए और आपको रिप्लाई करना है, तो आप काम छोड़ के तो नहीं कर पाओगे। जैसे ही आपको टाइम मिलेगा आप उसका रिप्लाई करोगे। तो मैं भी वही करता हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, और जनरली मैं इवनिंग के टाइम में रिप्लाई करता हूँ, या दिन में भी फ्री रहा तो मैं रिप्लाई करता हूँ। और कुछ कुछ बंदों से तो मैंने इंस्टाग्राम पे वॉइस कॉल पे बात भी की है कि अगर उनका प्रॉब्लम सही में जेन्युइन है, लिटरली परेशान है, तो मैंने उनसे बात भी की है और कुछ लोगों को उसका सॉल्यूशन भी दिया है, तो वो मैं देता हूँ। तो आप सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम, अच्छा मैसेज करने के लिए आपको मेरी आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करने के बाद आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी जो स्क्रीन पे चल रही है, rajesh_motosound, इसको आप पहले तो फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आप मुझे उस पर मैसेज कर दीजिए, जो भी आपकी गाड़ी के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं पक्का आपको जैसा ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहेंगे। जो मेरा चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टू स्टॉक की सारी जानकारी इस चैनल पे हम उनके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के बारे में बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इजाजत चाहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।